Hello everyone, welcome to Crystal Commerce Classes, Learning That Influences You by Avneet Kaur. Class 12th, Accountancy, Chapter Number 1, Accounting for Partnership Firms Fundamentals, Topic Capital Accounts of Partners. हम Chapter Number 1 पर रहे हैं Accountancy का और ये जो Topic आज हम start कर रहे हैं वो है Capital Accounts of Partners. अगर आप में से कोई मेरी वीडियो पहली बार देख रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा. मैं जो भी टॉपिक आप मेरा देख रहे हैं ये मैं अकॉर्डिंग टू स्टडी प्लान चल रहा है मेरा चैप्टर नंबर 1. आप मेरा स्टडी प्लान देख सकते हैं जहाँ से आपको ये पता चलेगा कि क्लास 11th का कौन सी डे में कौन सा सब्जेक्ट लेती हूँ, क्लास 12th का कौन सी डे में कौन सा सब्जेक्ट लेती हूँ. तो आज जो हमारा सब्जेक्ट था अकॉर्डिंग टू आवर स्टडी प्लान वो था अकाउंटेंसी. तो हम चैप्टर नंबर 1 कंटिन्यू कर रहे हैं जो लास्ट 2 वीक्स से चल रहा है हमारा. आज हम पढ़ेंगे कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स. कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स. इन केस ऑफ पार्टनरशिप देयर इज अ सेपरेट कैपिटल अकाउंट फॉर ईच पार्टनर. द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर विल बी क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट. मतलब ये है कि जब हमने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ी थी क्लास 11th में तब हमने पढ़ा था कि हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे एंड बैलेंस शीट बनाते थे और दैट्स ऑल. हमें पता चल जाता था एक सोल प्रोवाइडर ने कितना प्रॉफिट अर्न किया, हमें पता चल जाता था उसकी कैपिटल, उसकी बैलेंस शीट, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन, हम एसर्टेन कर लेते थे. अब यहाँ पे क्या होता है पार्टनरशिप में कि भैया डिफरेंट पार्टनर्स से, 3 पार्टनर्स है मान लो ए बी एंड सी, इन तीनों ने पैसा लगाया, वो तीनों का एग्रीमेंट साइंड है कि हम इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे, इतना परसेंट हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन होगा, इतना परसेंट इतनी हमारी सैलरी होगी या कमीशन होगा, जो भी उनके बीच एग्रीमेंट में डिसाइडेड है, जो भी क्लॉजेस मेंशन है. अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हर एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ताकि हर एक पार्टनर को हम पता चले कितना हम उसको पैसा दे रहे हैं, कितना हमें इंटरेस्ट देना है, कितना उसने ड्राइंग की है, कितना उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है, कितना उसको सैलरी मिलेगी क्या है, और टोटल कितना पैसा उसने इन्वेस्ट किया था, कितना प्रॉफिट मिल रहा है या लॉस मिल रहा है. ये प्रॉपर हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं हर एक इंडिविजुअल पार्टनर. 3 पार्टनर है तो 3, 4 है तो 4, 2 है तो 2. जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ, हमारे पास 3 पार्टनर्स है ए बी एंड सी. अब बात ये आती है कि कैपिटल अकाउंट हम दो तरीके से, आर 2 मेथड्स. एक है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट. फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट. अंडर दिस सिस्टम द ओरिजिनल कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर्स रिमेन कॉन्स्टेंट अनलेस एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड बाय एन एग्रीमेंट. ये जो कैपिटल अकाउंट है आप नीचे देखो यहाँ पे एक प्रोफॉर्मा बना हुआ. करंट अकाउंट में जो फर्दर एंट्रीज है हमारी हम उसको करेंगे. फर्दर जो उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, कमीशन मिल रहा है या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिल रहा है टू प्रॉफिट, ठीक है. अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे अगर उसको प्रॉफिट हुआ है तो क्रेडिट साइड जाएगा, लॉस हुआ है तो उसको डेबिट साइड, हम इसकी एंट्री यहाँ पे करेंगे. तो हम देखते हैं ये. अब हम पढ़ेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट. अभी हमने क्या पढ़ा था फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट. हमने सबसे पहले देखा कि कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है पार्टनर्स का जिसमें 2 मेथड्स हैं. पहला था फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट जिसके अंदर 2 अकाउंट बनते थे. कौन से अकाउंट बनते थे? कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट. अब हम पढ़ रहे हैं सेकेंड मेथड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट. और अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है कि हमें किस तरह कौन सा कैपिटल अकाउंट बनाना है तो हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकॉर्डिंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं. वेन द कैपिटल्स नीड टू बी फिक्स द बैलेंसेज ऑफ कैपिटल अकाउंट्स गो ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम नॉट टू बी फिक्स. मतलब ये कि जब हमारे कैपिटल फिक्स नहीं है तो हमारे जो बैलेंस है कैपिटल अकाउंट का ना वो चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम. द रीजन इज दैट नो सेपरेट करंट अकाउंट आर मेंटेन बट ऑल द एंट्रीज रिलेटिंग टू ड्राइंग सैलरी टू पार्टनर शेयर और लॉस एक्सेट्रा. मतलब यहाँ पे ये समझो कि जब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में था ना मतलब ये था उनका कि जो कैपिटल बैलेंस होना चाहिए वो हमेशा फिक्स्ड होना चाहिए. अगर कोई एडिशनल कर रहा है तो उसकी एंट्री, उसके अलावा कोई और एंट्री नहीं होनी चाहिए. अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमारा कैपिटल फिक्स्ड रहेंगे, हमने फिक्स नहीं किया कि हमारी इतनी ही कैपिटल रहेगी और हम इसके अलावा कुछ और नहीं एडिशनल कर सकते. तो जब अगर फिक्स नहीं है तो यहाँ पे हम एक ही अकाउंट बनाते हैं जिसके अंदर हम सारी एंट्री करते हैं, चाहे वो ड्रॉइंग से रिलेटेड हो, सैलरी, मतलब समझ लो कैपिटल एंड करंट अकाउंट दोनों को मिला के जो मैंने एंट्रीज की है उसका एक प्रॉप एक ही अकाउंट बनेगा कैपिटल. देखो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में ना हम सिर्फ एक ही अकाउंट बनाते हैं, दैट इज कैपिटल अकाउंट. और कैपिटल अकाउंट सबसे अच्छा तरीका पता है याद करने का क्या है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में? हम दोनों अकाउंट जो हमने फिक्स में पढ़े थे उन दोनों का सम अप होता है कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग. मतलब हमें एक ही अकाउंट बनाना है. आप दो तरीके से याद कर सकते हो, मैं एक ही तरीका अभी बता रही हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे सेकेंड मेथड पूछ सकते हो.
हमें एक चीज याद रखनी कि फ्लक्चुएटिंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट लिखा है तो मतलब एक अकाउंट बनेगा जिसमें मैं कैपिटल जो भी मैंने इन्वेस्ट किया है वो भी उसमें एंट्री होगी, जो मैं एडिशनल कैपिटल लगा रहा हूँ लगा रही हूँ वो भी एंट्री उसी अकाउंट में होगी, अगर मैं कोई विड्रॉल कर रही हूँ मतलब ड्रॉइंग्स कर रही हूँ कैपिटल की, या कोई ड्रॉइंग्स है या मैंने कैपिटल विड्रॉ की, कैसी भी एंट्री, वो सब एक ही अकाउंट में होगी, दैट्स ऑल। अगर फ्लक्चुएशन है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से बोला है करने को ट्रीटमेंट, तो अगर फ्लक्चुएटिंग नहीं है तो हम क्या करेंगे, दो अकाउंट बना लेंगे जिसमें जो कैपिटल मैंने लगाया है ना एडिशनल और स्टार्टिंग में जब बिजनेस फर्म स्टार्ट की थी पार्टनरशिप फर्म, वो उसका हम अलग अकाउंट बना लेंगे कैपिटल, बाकी एंट्री हम कर देंगे करंट अकाउंट में। ठीक है, ये एक सिंपल मेथड है, सिंपल तरीका है याद करने का, ये सिंपल तरीके ट्रिक्स, मैं ऐसे ही याद करती थी चीजों का अगर मुझे कंफ्यूजन होती थी स्टार्टिंग, फिर तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते आपको पता चल जाएगा फिक्स्ड मेथड कौन सा है फ्लक्चुएशन कौन सा है। जब हम नया नया स्टार्ट करते हैं तो हमें चीजें याद करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो पेशेंस के साथ साथ रोज प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, 101% बोर्ड में एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का आपको मिलना ही मिलना है। बस वैसी ही एंट्री होगी, क्रेडिट डेबिट साइड ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आएगी, कोई लॉस होगा प्रॉफिट एंड लॉस में तो वो आ जाएगा, बैलेंसिंग अमाउंट डेबिट क्रेडिट कहीं भी आ सकता है, और क्रेडिट साइड देखो आप तो क्रेडिट साइड में बैलेंस जो हमने ब्रॉट डाउन यानी कि जो मैंने कैपिटल इन्वेस्ट किया था पार्टनर्स ने, जो एडिशनल कैपिटल आए बाय कैश और बैंक आ गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट एंड सो ऑन। तो ये वैसे ही है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में ना तो आपको बहुत सी चीजें क्लियर होंगी। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि कैपिटल अकाउंट्स क्या होते हैं और कौन से दो तरीके के मेथड हैं, जैसे कि फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएशन। फिक्स्ड में हमारे दो अकाउंट बनते हैं कैपिटल करंट, फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही, किसी भी तरीके का डाउट है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, avneet.crystal करके मेरा इंस्टा पेज है, जहाँ पे आपको काफ़ी अपडेटेड नॉलेज मिलती रहेगी, काफ़ी कीवर्ड सीखने को मिलेंगी, न्यू टर्मिनोलॉजीज लर्न करने को ऑन डेली बेसिस मिलेगी आपको, और किसी भी तरह का डाउट आप मुझे इंस्टा पे भी पूछ सकते हो। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड यस, द एक्सपर्ट इन एनीथिंग वॉज The expert in anything was once a beginner. The expert in anything was once a beginner. Think over it. Believe in yourself. Thank you.